नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हाथरस मामले में आरोपी पक्ष भी एकजुट होने लगा है। आरोपी पक्ष के समर्थन में सवर्ण समाज के लोग गांव के बंगना में पंचायत की और इस पंचायत के दौरान कई गांव के लोग भी शामिल थे। वही लोगों की मांग है कि दोनों परिवारों का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। हाथरस में बिटिया के प्रकरण को लेकर आरोपी पक्ष भी एकजुट होने लगा है। आरोपी पक्ष के समर्थन में सवर्ण समाज के लोगों ने गांव बंगना में पंचायत की। पंचायत में 12 गांव के काफी लोग शामिल थे। इन लोगों ने सीधे सीधे आरोपियों को निर्दोष बताते हुए पूरे प्रकरण की CBI जांच और नार्को टेस्ट कराने की मांग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अब आरोपियों के समर्थन में लोग एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। इसे लेकर गांव बंगना में 12 गांव के लोग काफी एकत्रित हुए। वहां लोगों ने मांग की कि इस मामले की CBI जांच कराई जाए, आरोपी व वादी दोनों पक्षों के नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे हकीकत सामने आ सके। वहीं पंचायत के दौरान लोगों ने बिटिया के भाई पर भी उसकी हत्या का आरोप लगाया। इस मौके पर प्रमुख ब्लॉक प्रमुख हसायन के पति सुमन किशोर सिंह ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, दोनों परिवारों का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए, जिससे असली कातिलों को सजा दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरे बच्चे, चलिए हम कह देते हैं एक मेरा बच्चा अपराधी है, पर लेकिन जो रिपोर्ट घोषित होती है, जो आगे की जो प्रतिलिपियाँ हैं, उसमें मेरा चौथा भी बच्चा निर्दोष साबित होगा, ये मेरी कामना है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।